की। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य विराजमान हो चुके हैं। मैं मुरादाबाद लोकसभा के वर्तमान सांसद और इस समय के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार जी से अनुरोध कर रहा हूं कि एक पुष्प भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का हस्त करें। इसी क्रम में जरा तालियां बजा दीजिए सर्वेश जी, गुलाब का फूल भेंट करके आपका स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में रामचौधरी पूर्व सांसद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहन जयपुराजी के निवेदन ये गुलाब का फूल देकर परमेश्वर सेवन जी से भी आग्रह है, ये गुलाब का फूल भेंट करके आपका पूरी जनता के ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अन्य निवेदन कर रहा हूँ क्षेत्रीय अध्यक्ष स्वरूप त्यागी जी से आप आगे और चिंता पर अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रश्न करें। आप अमेरिका स्वरूप
माता की, भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है। मैं कहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर आप सब बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जय भीम। मुरादाबाद, संभल और रामपुर के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पीतम नगरी में आप सभी के बीच एक बार फिर आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। पहले 2014 में और फिर 2017 में आपने इस चौकीदार का भरपूर समर्थन और सहयोग किया। प्यार और सहयोग का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में भारत का घंटा बज रहा है, संयुक्त राष्ट्र भी भारत का सम्मान कर रहा है, रशिया भी भारत का सम्मान कर रहा है, साउथ कोरिया भी भारत का सम्मान कर रहा है, सऊदी अरब भी भारत का सम्मान कर रहा है, संयुक्त अरब अमीरात ये भी भारत का सम्मान कर रहा है, फिलिस्तीन भी भारत का सम्मान कर रहा है और अफगानिस्तान भी भारत का सम्मान कर रहा है। दुनिया के अनेक देशों में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिया है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये सम्मान आपका है, हर हिंदुस्तानी का है। मोदी तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। साथियों, दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है जिसमें दम होता है, जो सिर्फ रोता रहता है उसकी कोई नहीं सुनता। जिस नए भारत को बनाने का संकल्प हम सब ने लिया है वो भारत दमदार भी होगा और असरदार भी होगा। भाइयों बहनों, पहले क्या होता था, पाकिस्तानी से आतंकी आते थे, हमारे यहां धमाके करके जाते थे और कांग्रेस की सरकार दुनिया में रोती थी, हमें मारा। यही करते थे ना, रोना रोते थे ना।
उरी में गलती की तो देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिन में भी तारे दिखा दिए। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती पुलवामा में की तो हमने उन्हें एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा। और अब ये उधर वालों को भी समझ आ गया है कि अगर तीसरी गलती करने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई बहनों, आज आपका चौकीदार आपके बीच खड़ा है और पाकिस्तान की पूरी सरकार दुनिया भर में रोती रहती है, रोती है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के अपनों ने भी उससे मुंह फेर लिया। जरा मेरे साथियों बताओ, आप बताएंगे सवाल कुछ बताओगे? जवाब दोगे क्या भारत का दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भारत की ताकत दिख रही कि नहीं दिख रही है? आप बताइए, आपको उबकने वाली सरकार चाहिए या शानदार हिंदुस्तान चाहिए? बहनों और भाइयों, भारत के पास दशक भर से सैटेलाइट को मारने वाली तकनीक थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार से जब वैज्ञानिकों ने इजाजत मांगी, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार लेके बैठे थे, वो सरकार कांप रही थी। साथियों, जब इस चौकीदार की सरकार से वैज्ञानिकों ने पूछा तो मैंने कहा, भाई अरे कल करे सो आज कर, और हमने सैटेलाइट को निशाना बनाने वाली मिसाइल की परीक्षण को तुरंत हरी झंडी दे दी। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, भारत ने अंतरिक्ष में भी स्ट्राइक कर दी और अंतरिक्ष में भारत का शानदार प्रदर्शन आज चर्चा का विषय बना हुआ। अब जल थल अरे नाद उससे भी आगे अंतरिक्ष में भी भारत पर हमला से पहले कोई 100 बार सोचेगा। बहनों, दुनिया में जब भारत की ताकत बढ़ेगी तब हमारा व्यापार कारोबार भी तो बढ़ेगा। मुरादाबाद के डिजिटल उद्योग, रामपुर का जरी उद्योग, संबल के हस्तशिल्प, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार अगर हिन्दुस्तान में ताकत होगी तब बढ़ने वाला है। भारत की छवि एक मजबूत देश की होगी तो दुनिया हमसे व्यापार भी करेगी, दोस्ती भी रहेगी। जब दम होगा तभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारे हक में लोग फैसले लेने के तैयार होंगे। साथियों, आप बताइए, क्या देश को
ताकतवर बनाने की सोच सपा बसपा ने कभी भी आपके सामने रखी है क्या? सपा बसपा ने हिंदुस्तान के लिए एक शब्द बोला है क्या? भारत को कहां ले जाना है वो बोला है क्या? क्या सपा बसपा ने देश को दमदार बनाने के लिए कोई फॉर्मूला आपके सामने रखी है क्या? रखी है क्या? जिनको इसकी समझ ही नहीं है वो देश को दमदार बना सकते हैं क्या? जिनके एजेंडा में नहीं है वे कभी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस और उसके दूसरे महामिलावटी साथियों ने कभी भी ऐसी सोच रखी है? भाई और बहनों, इन्होंने तो ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है जिनको वंदे मातरम बोलने में भी परहेज है। जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकता वो मां भारती का सम्मान क्या करेगा? इनकी सोच सिर्फ एक ही है, एक ही कार्यक्रम, वन पॉइंट एजेंडा, सुबह शाम दोपहर रात को यहां जाओ वहां जाओ जहां जाओ मोदी को गाली दो, जोर जोर से गाली दो, जितनी गालियां दे सकते हो देते रहो। जैसे कांग्रेस वाले मुझे कहते हैं कि मोदी तो शौचालय का सोती सौदागर है, ये मोदी तो शौचालय का चौकीदार है। सपा के एक नेता ने कहा कि मोदी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पर खत्म होती है। अरे बबुआ, शौचालय की चौकीदारी का महत्व क्या है ये आप नहीं समझ पाएंगे। आपके पास आज विदेशी टाइलों विदेशी टोटियों वाला टॉयलेट है, लेकिन उन करोड़ों बहन बेटियों से पूछो जिनको आपने अंधेरे का इंतजार करने के लिए मजबूर करके रखा। आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 70 साल के बाद मेरे देश की माताएं, मेरे देश की बेटियां अगर सोच जाना है तो सुबह सूरज उगलने निकलने से पहले जाती थी या तो रात को सूरज ढलने का इंतजार करती थी। जरा ये पीड़ा क्या होती है एक विदेशी टोटियों वालों को पता नहीं चलता। एक चौकीदार करोड़ों बहनों की गरिमा का चौकीदार बन पाया तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है, आपके लिए शर्म की बात हो सकती है, चौकीदार के लिए सम्मान की बात है। हाँ, मुझे दुख इस बात का है जिन सफाई कर्मचारियों का समाजवादी पार्टी अपमान कर रही है उसे लेकर भी बहन जी चुप है। और मैंने प्रयागराज में कुंभ के मेले में हमारे सफाई करने वाले भाई बहनों के पैर धोए तो बहन जी के पेट में पीड़ा हुई। अरे खैर, मोदी को तो छोड़िए, मुझे तो इनकी गोलियां गालियां सुनने का
दो दशक का अनुभव है। अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूं। साथियों, सपा बसपा कांग्रेस की महामिलावट की यही मानसिकता है कि यूपी में बेटियों के साथ अत्याचार चरम पर था। पश्चिमी यूपी में गुंडों ने बेटियों का जीना मुश्किल कर रखा। योगी जी की सरकार ने इस गुंडागर्दी पर करारी चोट की। साथियों, इन लोगों की इसी मानसिकता की वजह से कि हमारी मुस्लिम बहन बेटियां 3 तलाक जैसे अत्याचार को सहने के लिए मजबूर है। और मैं ऐसी पीड़ित बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि 23 मई को जब चुनाव का नतीजा आएगा और 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनने के बाद ये 3 तलाक पर बना कठोर कानून फिर से संसद में लाया जाएगा। भाई और बहनों, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मैं उनको गठबंधन के बजाय महामिलावट क्यों कहता हूं। बताइए, महामिलावट है कि नहीं है? ये महामिलावट है कि नहीं है? ये महामिलावट की महागिरावट पक्की है कि नहीं है? महामिलावट की महागिरावट पक्की है कि नहीं है? मैं पूछता हूं, इसे महामिलावट क्यों न कहूं? अब देखिए कि कैसे कैसे लोग साथ आए। ये किसने कहा था, ये जरा पुरानी बातें याद करिए, ये किसने कहा था कि बहन जी ने यूपी की जनता को इतना लूटा है कि उनकी मूर्तियों के पर्स कटोरेंगे तो शायद उसमें से भी पैसा निकलेगा। इन्होंने एक दूसरे को कहा था कि नहीं कहा था? बबुआ ने बुआ के सम्मान में ये बातें कही थी कि नहीं कही थी? आज बुआ का बिछाव रोने के लिए वो बबुआ को इतना सम्मान कर रही है, इतना सम्मान कर रही है। साथियों, बहन जी आज उस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने में गर्व महसूस कर रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर को भू माफिया कहता है और खुद यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन कब्जाता है। बहन जी, उन उजड़ी दलित बस्तियों में दलितों की ही जमीन जिसने कब्जा किया है उनके लिए आप किस मुंह से वोट मांगने जाओगी? और ये भी मत भूलिए, ये वही शहर है जो देर दशक तक बहन जी को सद्दाम हुसैन जैसा हत्या करने की धमकी दे रहे थे। साथियों, महामिलावट के एक और उम्मीदवार है जिनको बाबा साहब की मूर्ति को माला पहनाना भी मंजूर नहीं। लेकिन बहन जी इनके लिए वोट मांग रही है, वहीं हमारे बबुआ
वो दिन भी भूल गए जहां बैन जी ने नेताजी को पागल खाने भिजवाने की सलाह दिया करते थे। साथियों, राजनीति क्या क्या नजर आए, आज आदमी साइकिल पर सवार है, आज निशाने पर चौकीदार है, के लिए
एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया। 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनने के बाद हमारे किसानों को, छोटे किसानों को और हमारे खेत मजदूरों को 60 साल के बाद हर महीने उनको नियमित पेंशन मिलेगा। ये कभी ये सोच सकते हैं क्या? न बुआ सोच सकते हैं, न बबुआ सोच सकते। कहीं लघु उद्योगों से जुड़े, कई घरों में काम करने वाले, कोई रेड़ी चलाता है, कोई नाई की दुकान लेके बैठा है, कोई टैक्सी का ड्राइवर है, कोई आपके घर में बर्तन साफ करता है, कोई आपके यहां खाना पकाता है, कोई भी जो छोटे छोटे हमारे कामगार हैं, घरों में काम करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, उसी प्रकार से जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, कई पान का गल्ला लेकर के बैठे हैं, कई ठेका लेकर के बैठे हैं, कई सब्जी का ठेका लेकर बैठे हैं, इन सबको भी हमारी सरकार पेंशन देने का निर्णय के लिए आया है। आप कल्पना कर सकते हैं 60 साल के बाद ये सम्मान से जीवन जी सकेंगे कि नहीं जी सकेंगे? किसी का मोहताज रहना पड़ेगा क्या? और इसकी एक कड़ी के तौर पर हमने पीएम श्रम योगी मानधन योजना उसको तो शुरू भी कर दिया है। 23 मई को सरकार बनने के बाद योजनाओं का और विस्तार किया जाएगा। साथियों, मुझे एहसास है कि यहां की चीनी मिलें बकाया चुकाने को लेकर भी कुछ न कुछ परेशानियां पैदा कर रही है। ये भी कान खोल करके सुन ले, चुनाव खत्म होने के बाद आपकी पारी आएगी और मैं आपको भी भरोसा देता हूं कि योगी जी की सरकार आपका एक एक रुपया जल्द से जल्द दिलवा करके रहेगी। और मैं भी यूपी का एमपी हूं, मैं भी इसके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। भाई और बहनों, यहां का जो पीतल उद्योग है उसके विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। योगी जी की सरकार पहले ही एक जनपद एक उत्पाद योजना चला रही है। इसके तहत कच्चे माल, डिजाइन, परीक्षण, प्रदर्शन और मार्केटिंग जैसी सुविधाएं दे रही है। छोटे उद्योगों को GEM जैम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसके साथ जोड़ रहा है, ताकि सरकारी कंपनियों को सामान बेचने में आपको कोई असुविधा ना हो, किसी बिचौलिए की जरूरत न पड़े। पिछले वर्ष ऐसे अनेक निर्णय सरकार ले चुकी है। साथियों, अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि फिर एक बार सरकार बनने पर पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाया जाएगा, ताकि आपकी हर समस्या का समय पर समाधान हो सके। इसके अलावा छोटे उद्यमियों को 50 लाख रुपए तक बिना गारंटी ऋण देने का संकल्प भी हमारी सरकार ने किया। साथियों, सबका साथ सबका विकास
ये हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारा संकल्प है। इसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमें एकजुट होकर चलना है। याद रखिए इस 23 अप्रैल को आपका एक एक वोट हमारे देश को मजबूत बनाएगा। अब आप एक संकल्प लीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप जब 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों मैं एक संकल्प दोहराता हूं आप करेंगे मेरे साथ संकल्प करेंगे दोनों हाथ ऊपर करके करेंगे मुट्ठी बंद करके करेंगे सबके सब करेंगे पीछे वाले भी करेंगे पूरी ताकत से करेंगे। देखिए मैं नारा बुलवाऊंगा आपको बोलना है घर घर में है चौकीदार। क्या बोलना है आपको क्या बोलना है तो मैं नारा बुलवाऊ आप पूरी ताकत से बोलोगे भ्रष्टाचारियों होशियार भ्रष्टाचारियों होशियार भगोड़ों पर कानून की मार बंद हुआ काला कारोबार देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार आतंक पर हो आखिरी बार दुश्मन हो जा खबरदार घुसपैठिए भागे सीमा पर टूटेगी जात पात की दीवार वंशवाद की होगी हार दागदार पे भारी नामदार। भाई हमारा पूरा हिंदुस्तान चौकीदार पूरा हिंदुस्तान आप गर्मी कितनी ही क्यों ना हो सुबह निकल करके तुरंत वोट डालेंगे करेंगे। आपका बहुत बहुत आभारी हूं मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मोतियां हैं जो दंश की चोट पे मारना है जो मोटी मोटी बोल के मोतियां हैं जो दंश की चोट पे